नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर ईद उल अजहा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को स्थानीय कस्बा चौकी प्रांगण में निर्धारित समय 4:30 बजे शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक चौकी प्रभारी कमल नैन दुबे की देखरेख में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें ईद उल अजहा त्यौहार को सौहार्द पूर्वक ढंग से मनाए जाने की लोगों से अपील की गई। लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्र अधिकारी मोहम्मद अकमल खान ने कहा कि त्यौहार को पूरी तरह कड़ाई से पालन अवश्य कराना होगा। ईद उल अजहा को सौहार्द पूर्वक ढंग से मनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो पुलिस को जानकारी जरूर दें। खान ने कहा कि मदरसों में कुर्बानी नहीं होगी, सार्वजनिक रूप से कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी करते समय किसी प्रकार का फोटो वीडियो नहीं बनाएंगे, नमाज अपने घर पर ही पढ़ेंगे। प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। वहीं नगर पालिका को दिशा निर्देश दिया कि निर्धारित स्थानों पर नगर पालिका गड्ढा खुदवाने और अवशेषों को समय रहते उठा ले, क्योंकि इन दिनों COVID-19 को भी ध्यान रखना है। भीड़ भाड़ का हिस्सा न बने और समुचित व्यवस्था के अनुसार त्यौहार को मनाएं। बैठक को थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र और चौकी प्रभारी कमल नैन दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रेम से त्यौहार मनाएं, साथ ही क्षेत्र एवं पूरे कस्बे पर पैनी नजर रखी जाएगी। उड़नता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो मुझे या चौकी प्रभारी को तत्काल सूचना दे। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी, अशासी अधिकारी राजपति अविचल व नगर पालिका लिपिक राजन चौधरी, अमार अदीबी सरोज कुमार अग्रवाल, मन्नूलाल वर्मा, विजय वर्मा, विद्यासागर गुफरान, गोपाल जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। संचालन शाहिद फारूकी ने किया। मुबारकपुर से कलीम आजमी की रिपोर्ट।